देखिए शंकर देव जी शायद जो असेंबली सोच है उनको उन्होंने सबसे अच्छी तरह सबके सामने रखा। मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम भी उन्हीं के रास्ते में चलते हैं, उनको जुटते हैं, रफ्तारे फैलाते हैं, वो हमारे लिए गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेकूँ, उनका इन्विटेशन आया था 11 तारीख को इन्वाइट किया था, मगर मुझे यहाँ पे हमें कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और हम कोई चीज जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते, पता नहीं कोई ना कोई कारण क्या बन पाए। जब मौका मिलेगा मैं जाऊँगा। राहुल जी के प्रतिनिधि की तरफ से मैं और स्थानीय विधायक बोडवा खान गए, वहाँ पे हम दोनों ने प्रार्थना की राहुल गांधी जी की जो शांति और सद्भावना की जो आशाएं हैं, उस सद्भावना और शांति की आशा हमने अपनी प्रार्थना में व्यक्त की। बोडवा खान ने जितने भी पुजारी उस वक्त वहाँ पे थे, वे सभी पुजारियों ने कहा कि हमारी आशीर्वाद राहुल गांधी जी के साथ है। हमने पुजारी महाराजों को बताया कि राहुल जी स्वयं आना चाहते थे, लेकिन वो बोला गया कि बोडवा खान ने सरकार पहले से ही कुछ आयोजित कार्यक्रम कर रही है और कुछ अशांति का वातावरण चलता है, लेकिन जब हमने वहाँ पे हम गए तो लगभग 10 बजे तक वहाँ पे किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं चल रहा है, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, वहाँ पे कानूनी व्यवस्था बिल्कुल शांति है, एकांत है। तो एक अफवाह एक झूठ फैलाया गया प्रशासन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके, भीड़ को लेके, ये झूठ सीधा सीधा मुख्यमंत्री के तरफ से आया है। आज उन्होंने बोडवा खान के इतिहास में एक काला दाग डाल दिया है। आज उन्होंने अपने इस अफवाह से शंकर देव की संस्कृति पर एक काला दाग लगाया है। हम वहाँ से निकलते हुए एक महिला पुजारी ने कहा कि ये गामुसा बोडवा खान की गामुसा आप राहुल गांधी जी को दीजिए, वही आकर हमने राहुल गांधी जी को बोडवा खान की निशानी की तरफ से सौंपा। पुजारियों ने कहा कि वे अपने प्रार्थना समाप्त करने के पश्चात जो भी उनका प्रसाद है वो राहुल गांधी जी को पहुंचा देंगे।